हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो लेक्चर्स। और स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर्स में हम फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ और जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, फोटोसिंथेसिस में क्या होना ज़रूरी है, क्या नहीं, तो इन सब प्रोसेस के बारे में भी हम थोड़ा स्टडी करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस, जैसे कि आप जानते हैं कि वो प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल्स सनलाइट की उपस्थिति में अपना फूड बना लेते हैं, जिसे ग्लूकोज कहते हैं, और बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन भी बनता है। आइए अब हम देखते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है, इसको जरूर याद कर लें। इससे 6CO2 प्लस 12H2 क्लोरोफिल सनलाइट कराना ज़रूरी है, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कराना भी ज़रूरी है, मतलब ये इम्पोर्टेंट रिएक्टेंट हैं जो इस रिएक्शन में रहना है ज़रूरी है। और फिर बनता है ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर का फॉर्मेशन होता है। आइए स्टडी करते हैं कि एक्चुअली इस प्रोसेस में होता क्या है। पहला स्टेप इस प्रोसेस में, या पहली जो इवेंट इस प्रोसेस में होता है, वो पहला इवेंट है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है, और उस लाइट का एब्जॉर्प्शन कौन करता है, तो क्लोरोफिल की मॉलिक्यूल्स जो लीफ के अंदर पाई जाती हैं हुआ करती है। ठीक, फिर क्या होता है, अगर हम देखें क्लोरोफिल, तो ये लीफ का स्ट्रक्चर्स है, डाल लीफ का स्ट्रक्चर्स, और लीफ में ये लीफ लेमिना या लीफ ब्लेड्स है, और ये है मिड रिब्स, और ये मिड रिब्स को अगर काटा जाए तो मिड रिब्स के अंदर पाया जाता है फ्लोएम और जाइलम, और फ्लोएम और जाइलम को हम कॉमन रूप से क्या कहते हैं, तो इनको हम कहते हैं वास्कुलर बंडल्स, क्या कहते हैं, वास्कुलर बंडल। अगर लीफ का टीएस देखा जाए, ट्रांसवर्स सेक्शन, तो लीफ के ट्रांसवर्स सेक्शन में आउटर की तरफ एक वैक्सी लेयर होती है जिसे हम क्यूटिकल्स कहते हैं, ये जो लेयर है इसी वैक्सी लेयर को हम क्यूटिकल्स कहते हैं। उसके जस्ट बाद एक लेयर होती है एक सेल की बनी हुई, जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, कौन सी, तो ये वाली जो लेयर है इसे हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। और फिर सेल्स पाई जाती हैं, दो सेल्स पाई जाती हैं, कौन कौन सी, तो एक पॉलीसेड पैरेन्काइमा इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं मेसोफिल पैरेन्काइमा। इनके बीच बीच में, इन सेल्स के बीच बीच में एयर स्पेस पाए जाते हैं, तथा इन सेल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, इन सेल के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, हाँ, इन सेल के अंदर। ठीक, तो ये लीफ का स्ट्रक्चर है, और लीफ के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या देखा, कि लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। फिर सेकेंड स्टेप्स में क्या होगा, कि जो लाइट एब्जॉर्प्शन एनर्जी को एब्जॉर्ब किया गया था, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, किसको, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। और जब इसको एनर्जी में कन्वर्ट करने से पहले, ये लाइट एनर्जी का एक और भी रोल है, ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर करने में, मानी वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ने में हेल्प करता है, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। और थर्ड स्टेप जो होता है फोटोसिंथेसिस में, वो रिडक्शन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, किसके रूप में, तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में। ये तीन स्टेप्स होते हैं, लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन,
लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन और वाटर का स्प्लिटिंग जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, और लास्टली कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तीन प्रोसेस होते हैं प्लांट के अंदर, और ये जो तीनों जो प्रोसेस है या स्टेप्स हैं, एक के बाद एक ये इवेंट घटित होते हैं, और जस्ट एक के बाद एक इमिडिएटली। अगर एग्जांपल की बात करें, ये भी कोई गारंटीड नहीं है, किसी किसी प्लांट में ये स्टेप एक के बाद एक नहीं भी होते हैं। जैसे कि अगर हम डिजर्ट में देखें, तो डिजर्ट में जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड दिन में नहीं लेते हैं, वो रात में लेते हैं, और वो क्या कहते हैं कि एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं। वह जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हैं, वो दिन के समय है ना जो है कि लाइट जब प्रेजेंस रहती है, तब वो लाइट एनर्जी को यूज करते हुए फूड प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है। ठीक, तो कुल ये जान लीजिए कि डिजर्ट प्लांट में फोटोसिंथेसिस के अलावा जो प्रोसेस होता है वो दूसरे तरीके से होता है, और जो इधर के प्लांट हम लोग के साइड, तो ये डिजर्ट प्लांट है नहीं, तो इनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के थ्रू होता है। तो हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होते। तो फोटोसिंथेसिस में बनते क्या है, अगर कोई पूछे तो ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज के अलावा क्या बनता है, तो ऑक्सीजन का फॉर्मेशंस होते हैं, ये दो चीज़ बनते हैं। और फोटोसिंथेसिस में यूज क्या किए जाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा वाटर का यूज किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से जाता है, तो एटमॉस फियर से प्लांट क्या लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर कहाँ से लेते हैं, तो वाटर ये लेते हैं कहाँ से बाबू, तो सॉयल से ये लेते हैं। ठीक, अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या रहना जरूरी है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट का रहना जरूरी है, इसके साथ साथ क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को का भी रहना जरूरी है। अब क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल जो है वो पाया जाता है लीफ के अंदर से पाया जाता है। ठीक, अब आइए आगे पढ़ते हैं। एक एक्टिविटी है जो हम जानेंगे, इस एक्टिविटी में हम जानेंगे कि स्टार टेस्ट करेंगे, और स्टार टेस्ट करके हम ये दो चीज़ का पता लगा लेते हैं प्लांट में। फर्स्ट ये हम जान लेते हैं कि क्या प्लांट में क्लोरोफिल नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, या प्लांट में फोटोसिंथेसिस के बाद स्टार्च का फॉर्मेशन होता है कि नहीं। तो इस प्रोसेस मतलब इस एक्सपेरिमेंट को या इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें एक लीफ लेना पड़ता है, जिस लीफ का कैसा होना चाहिए, तो वैरीगेटेड लीफ होना चाहिए। वैरीगेटेड लीफ्स का मतलब यह है कि इसका जो कुछ पोर्शंस हैं वो ग्रीन होना चाहिए, और कुछ पोर्शन है वो येलो होना चाहिए या वाइट होना चाहिए। तो कुछ पोर्शन कैसा होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, और कुछ येलो या वाइट होना चाहिए।
और ये कैसा प्लांट होना चाहिए, तो पॉटेड प्लांट लिया जाए जिसके पास क्या होना चाहिए, वेरीगेटेड लीफ, मतलब कुछ पोर्शन वाइट कुछ पोर्शन ग्रीन। और ऐसे प्लांट कौन से हैं, तो मनी प्लांट ऐसे होते हैं कि लीव्स ऐसे देखने को मिलते हैं। इस पॉटेड प्लांट को लेने के बाद हम इसको रख देंगे कहाँ पे, डार्क रूम में। कितने दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए। बच्चों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसे केयरफुली, इस एक्टिविटी को आप सुने। जब 3 दिन तक हम रख देंगे तो जो पहले से स्टार्च इस प्लांट में बन चुका है वह स्टार्च ये यूज कर लेगा प्लांट। अब क्या करेंगे, पहला स्टेप आपने देखा क्या किया आपने, एक पॉटेड प्लांट लिया। दूसरी स्टेप में इसको डार्क में रखा, कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए। तीसरे स्टेप्स में आप क्या करेंगे कि थर्ड स्टेप्स में फिर इस प्लांट को हम क्या करेंगे, सनलाइट में रख देंगे। कितने घंटे के लिए, तो लगभग 6 घंटे के लिए सनलाइट में इसको रख देंगे। और अब अगले स्टेप्स में हमें क्या करना है, तो अगले स्टेप्स में हम क्या करेंगे कि इसके लीफ को तोड़ेंगे, इस प्लांट के लीफ को तोड़ेंगे और उस प्लांट के लीफ के ग्रीन एरिया को मार्क कर देंगे। फिर क्या करेंगे, तो इसके बाद जो है हम इस लीप को डीप कर देंगे बॉइलिंग वाटर में, कुछ मिनट के लिए इसको बॉइलिंग वाटर में डीप कर देंगे। फिर अगला स्टेप्स, इसके बाद जो है क्या किया जाएगा कि बॉइलिंग वाटर में डीप हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसको एक बीकर लेंगे जिसमें अल्कोहल होगा और इस उस एल्कोहल में रख करके इसको बॉइलिंग वाटर में हम रख देंगे। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा बीकर लिया, इसमें हमने एल्कोहल रखा, और एक बड़ा सा बीकर लिया जिसमें हमने वाटर रखा। तो इसमें हमने वाटर रखा, इसमें हमने क्या रखा, H2O, और इसमें हमने क्या रखा, एल्कोहल। तो छोटे वाले बीकर में एल्कोहल रखा और बड़े वाले बीकर में हमने वाटर रखा। और केयरफुली हम इस अगले स्टेप्स में क्या करेंगे कि केयरफुली हम इसको हीट करेंगे जब तक कि एल्कोहल जो है कि बॉयल नहीं करने लगे। फिर हम केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है इसमें, तो हम देखेंगे कि जो क्लोरोफिल है वो डिजॉल्व होकर के वाटर में, मतलब अल्कोहल में रिलीज हो जाएगा। फिर इस लीफ को हम क्या करेंगे अगले स्टेप्स में कि इस लीफ को वहाँ से रिमूव करेंगे, जेंटली इसको वॉश करेंगे और फिर इस पे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है आयोडीन का, कुछ समय बाद इस पे गिराएंगे। तो अगले स्टेप्स में आप देखेंगे क्या कि ज्यादा अगर हो जा रहा है, आयोडीन सॉल्यूशन अगर ज्यादा हो जा रहा है तो उसको वॉश कर लेंगे आयोडीन सॉल्यूशन को। फिर आप कुछ समय बाद ऑब्जर्व क्या करेंगे, अगले स्टेप में आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि उसको एक पॉटेड प्लांट के लिप से और इस एक्सपेरिमेंटल लिप से कंपेयर करेंगे। जब आप कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर आप पाएंगे कि कुछ जो पोर्शन है प्लांट का, जो पहले क्या था, पहले ग्रीन था, जैसे जो जो भी पोर्शन था, जैसे ये पोर्शन पहले ग्रीन था, अब वो पोर्शन इस एक्सपेरिमेंट के बाद ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। ये पॉसिबल कैसे हुआ है, तो ये पॉसिबल हुआ है आयोडीन जो है, अब मान लीजिए ग्रीन पोर्शन में क्लोरोफिल था, क्लोरोफिल ने फोटोसिंथेसिस किया, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज जब एक्सिस बना तो स्टार्च में कन्वर्ट हो गया और स्टार्च प्लांट के अंदर ही
प्रेजेंट है, लीफ के अंदर इस पोर्शन पे प्रेजेंट है। जब ये आयोडीन से रिएक्शन करता है स्टार्च तो ब्लू ब्लैक कलर में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कौन? स्टार्च ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। यानी इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या जाना कि स्टार्च जो है कि फोटोसिंथेसिस में बनता है। स्टार्च के बनने के लिए क्लोरोफिल का होना जरूरी है और स्टार्च जो है आयोडीन से रिएक्शन करके ब्लू ब्लैक कलर देता है। ये एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इसे जरूर ध्यान से पढ़ें। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही।